बोलना छोड़ दो। क्यों? अरे आम आदमी नहीं है हम, आम परिवार नहीं है हम, शाम परिवार है। और आम परिवार में बच्चे लोरियां सुनकर बड़े होते हैं, लेकिन शाम परिवार में बच्चे लोरियों की जगह हमेशा तेरे भजनों को सुनते थे और सुनकर तेरे परिचों को हम सपने यही बुनते थे। जब छोटे थे किसी ने बताया कि भाई साहब अपने तो अच्छा होता है तो भी घट हो जाते हैं, बुरा होता है तो भी हो जाते हैं। तो हम छोटे थे, हमें क्या पता अच्छा क्या बुरा क्या। लेकिन जब बचपन में बाबा को देखा तो एक ही बात बोली, हमको भी उबारोगे। अरे जैसे सबको उबारा और घर पे आई मुसीबत तो दिया तूने। बचपन से सुना मैंने, मालिक तू हमारा है, घर पे आई मुसीबत तो दिया तूने सारा है। कोई कहता है भाई साहब अच्छा आनंद आ रहा है, जोर से बोलो आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, तालियां कल बजाओगे जब हॉल खाली हो। तूफान जो नहीं आता हम खुद ही संभल जाते, तूफान जो नहीं आता हम खुद ही संभल जाते, हारे सहारे हो अरे कैसे हम समझ पाते, ओ हारे के सहारे हो कैसे हम समझ पाते। टोली जब नाव मेरी बन के आया किनारा है और घर पे आई मुसीबत, अच्छा अच्छा वो कहानी मुझे फिर याद आ गई। आप और हम खुद को शाम प्रेमी कहते हैं, खुद को शाम प्रेमी कहते हैं। एक महिला 80 साल की बूढ़ी औरत खाटो गई पहली बार, खाटो से एक तस्वीर लेकर आ गई, घर में कुछ भी नहीं है, एक चेयर है उस पर तस्वीर लगा दी है, रोज सुबह शाम जो रूखा सूखा खुद खाती वो बाबा को भोग लगाती। जिस दिन से बाबा के कदम पड़े उस दिन से घर में खुशहाली आ गई, लक्ष्मी आ गई, घर के जितने बच्चे थे सबने अपने बंगले बना लिए, लेकिन उस बुढ़िया माई को उस कुटिया में अकेला छोड़ दिया। अच्छा बुढ़िया माई क्या करे, उसे आता ही कुछ नहीं, सुबह शाम दिन रात सिर्फ भजन करे और प्रभु को रिझाए। लेकिन प्रभु ने परीक्षा ली, प्रभु ने परीक्षा ली। परीक्षा कैसे ली, 3 दिन हो गए हैं, 3 दिन से बुढ़िया ने एक अन्न का दाना भी नहीं खाया। पूरे गांव में बात फैल गई कि बुढ़िया मरने वाली है, बुढ़िया मरने वाली है, बुढ़िया मरने वाली है। अब गांव में किसी शैतान के कानों में खबर चली गई, शैतान ने बोला एकदम सही मौका है श्याम बाबा को हराने का और शैतान को जीत दिलाने का। शैतान ने अपने दूत को कहा बहुत सारा राशन ले जाओ, बुढ़िया को खुद खाना खिलाओ, लेकिन जब बुढ़िया पूछे कि भेजा किसने है तब उससे कहना कि तुम्हारा श्याम बाबा तो तुम्हारे काम आया नहीं, अंत में शैतान ने तुम्हें जीवन दान दिया। दूध पहुंच गया, इतनी देर तक खाना खिलाया, राशन खत्म होने को आया, बुढ़िया खाए जाए लेकिन कुछ पूछे नहीं। अब दूध परेशान हो गया, बुढ़िया माई के पैर पकड़े, बोले बुढ़िया माई अरे पूछ तो ले भेजा किसने। बुढ़िया ने बोला तू ही बता दे। तब दूत ने कहा तुम्हारा श्याम बाबा तो तुम्हारे काम आया नहीं, अंत में शैतान ने तुम्हें जीवन दान दिया है। तब
मरिया ने जवाब दिया और कहा, पगले मुझे नहीं पता तेरा शैतान कौन है, कहां रहता है और क्या करता है, लेकिन मुझे इतना पता है और विश्वास है, जब मेरे श्याम बाबा का हुक्म होता है तो शैतान को भी उसके हुक्म का पालन करना पड़ता है। ऐसे होते हैं श्याम। अच्छा, दूध ने हार नहीं मानी, दूध ने हार नहीं मानी, दूध ने कहा इतना विश्वास है श्याम बाबा पे, तो बता तेरा श्याम बाबा कहां है, अगर है तो देखना होगा, कहां देखा। बुढ़िया रोने लग गई, बुढ़िया के पास जवाब नहीं था, कई देर रोई, लेकिन उसके बाद बुढ़िया ने श्याम बाबा की तस्वीर को देखा और कहा, तुम हो या नहीं ये भी कहते हुए देखा है, तुम हो या नहीं ये भी कहते हुए देखा है, हाँ देखा है, अरे तुम्हें भक्तों की आंखों से बहते हुए देखा है, हाँ तुम्हें भक्तों की आंखों से अरे बहते हुए देखा है। अच्छा, दूत ने फिर हार नहीं मानी, दूत ने बोला अच्छा आंसुओं में देखा है, आंसुओं में बाबा को देखा है, आंसुओं में ऐसी कौन सी बात है कि बाबा दिख गया, आंसू वो खजाना है किस्मत से मिलता है और इसके बह जाने से मेरा शाम पिघलता है, कुछ दे या ना दे शाम इस अपने दीवाने को तो आंसू दे देना, चरणों में चढ़ाने को। अच्छा, पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। दूध ने हार नहीं मानी, दूध ने हार नहीं मानी, उसने कहा आंसुओं में ऐसी कौन सी बात है कि श्याम बाबा पिघल जाता है। तब बोला जवाब अब मेरे पास तो नहीं है, इतिहास के पन्ने उठाकर देख लो, नरसी ने बहाए थे, अरे मीरा ने बहाए थे, जब जब भी कोई रोया तुम दौड़े आए थे। देखो बजानी हो तो कुछ तो में मत बजाओ, अच्छे से बजाओ तो सुनने में अच्छा। अच्छा, अंतिम बात, आंसू है क्या, आंसू चीज क्या है, दुख में बह जाते हैं खुशियों में जरूरी, आंसू दुख में बह जाते हैं अरे खुशियों में जरूरी है, आंसू के बिना समझो हर आंख अधूरी, वो आंसू के बिना समझो हर आंख अधूरी। आज तो मैं बहुत खुश हूं कि मेरी पहली हाजिरी ऐसी लग रही है, अरे नाच गाना डांस तो सब कर लेते हैं और बहुत डांस करना, इसके बाद झूमेंगे नाचेंगे मस्ती करेंगे, लेकिन अगर बात आपके मरण तक नहीं पहुंची तो समझ लो कीर्तन में हमने कुछ नहीं किया।